हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल ब्रेसलेट टैट करना बताऊंगी। बहुत सिंपल है इसे बनाना। इसे डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट बीड्स में आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। सिंपल है। रिंग के बाद चेन और एक रिंग फिर चेन। देखिए इस तरह से मैंने एक वियर भी किया हुआ है। तो अपने मनपसंद के कलर्स में आप इसे बना के रेडी कर लें। बहुत आसान है। चलिए सीखते हैं कैसे बनाया। इसको मैंने प्रॉपर तैयार किया हुआ है, स्टार्च किया हुआ है। तो इस तरह से आप बना के तैयार कर सकते हैं। और ये ब्रेसलेट की लेंथ मैंने थोड़ी छोटी रखी है। बाद में चेन से इसको एक्सटेंड किया है। पूरी लेंथ के लिए हमें चाहिए होंगे 12 बीड्स। तो इसमें मैंने, जैसे आप देख रहे हैं, 10 बीड्स यूज़ किए हैं। तो 20 नंबर का थ्रेड मैंने इसमें यूज़ किया है। और इसमें ये 4 mm का बीड इसमें यूज़ हुआ है। 4 mm का बीड है ये। और इसके अलावा हमें 2 जंप रिंग चाहिए। और अगर तो पूरी लेंथ बना रहे हैं तो चेन की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा एक हमें ये क्लास्प चाहिए होगा। देखिए ये मैं 20 नंबर रेड कलर में यूज़ कर रही हूँ अभी। और थ्रेड मैंने इसमें वाइंड कर लिया है। और इसमें मैं अब 12 गोल्डन बीड्स इसमें 4 mm के ले रही हूँ। और जिसे हम एक बार रहने देंगे क्योंकि अभी हमें फर्स्ट रिंग बनाना है। बाकी मैं अंदर इसको वाइंड कर दूँगी। देखिए ये बीड आप ऐसे रिंग बनाएंगे सबसे पहले। और रिंग में मैं 8 डबल स्टिचेस पहले लूंगी। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट डबल स्टिचेस लेने के बाद इक्को स्मॉल रखेंगे। फिर 4 डबल स्टिचेस, देखिए इसके बाद ये बीट आगे ले आऊंगी लूप में से। और इसको भी हम टाइटली पास में सिक्योर कर देंगे इस तरह से। और फिर 3 और डबल स्टिचेस लेके रिंग कंप्लीट कर दूंगी मैं। ये देखिए 4 डबल स्टिचेस यहाँ भी हो गए। तो 8 डबल स्टिचेस पिको, 4 डबल स्टिचेस बीड पिको और 4 डबल स्टिचेस। ये अब हम एक रिंग पहले वाला कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये रिंग कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब रिवर्स वर्क करेंगे और चेन बनाएंगे। चेन में हम लेंगे 24 डबल स्टिचेस। और यहाँ शटल से भी मैं थोड़ा थ्रेड वाइंड कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे 24 डबल स्टिचेस ले लेती हूँ। बिल्कुल पास से आप स्टिचेस लें। देखिए ये 24 डबल स्टिचेस चेन में मैंने ले लिए। अब इसके बाद हमें रिवर्स वर्क नहीं करना। जो अगला रिंग बनाएंगे उसमें हमने रिवर्स वर्क नहीं करना। स्टेप जरूर याद में रखें कि रिंग के बाद रिवर्स वर्क करना है हमने, चेन के बाद रिवर्स वर्क नहीं करना। तो रिवर्स वर्क नहीं करना तो हमें ऐसे ही रिंग बनाना है। तो ये थ्रेड जो है हम नीचे कर लेंगे ऐसे, और शटल वाला थ्रेड ऊपर रखेंगे। और फिर हमें अब नेक्स्ट रिंग बनाना है। एक बीड हम आगे ले आएंगे और बाकी के हम अंदर वाइंड कर देंगे दोबारा। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप समझ लीजिए
फिर आपका ये कंटिन्यू होता जाएगा। अब देखिए ये रिवर्स वर्क नहीं किया हमने। अब ऐसे ही हमने रिंग बनाना है, तो रिंग के लिए वही मेजरमेंट है हमारे 8 डबल स्टिचेस। पास में आप बिल्कुल पास कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पिको स्मॉल 4 डबल स्टिचेस, 2, 3, 4, फिर बीट पिको, 1, 2, 3, 4, ये रिंग कंप्लीट कर देंगे। अच्छे से इस तरह से ये रिंग कंप्लीट हो गया। पहले हमने पहला रिंग बनाया, उसके बाद ये चेन बनाई, चेन के बाद पहले रिंग के बाद रिवर्स वर्क किया है, फिर चेन बनाई, चेन के बाद रिवर्स वर्क नहीं किया और उसके बाद हमने रिंग बना दिया। अब रिंग बनाने के बाद हमें रिवर्स वर्क करना है। देखिए ये रिंग हम अपनी साइड कर लेंगे और फिर हमने अब चेन के स्टिचेस लेने हैं और साथ के साथ प्रीवियस रिंग से चेन को जोड़ना भी है। ये देखिए पहले 4 डबल स्टिचेस लेके हम पहले वाले रिंग से इसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए पास में आपने स्टिचेस लेना है, कोई गैप ना हो। 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद ये पहला रिंग था हमारा, ये वाला पहला रिंग था, इससे हमने ये ज्वाइन लगा देना है। इस तरह से इसमें से अब शटल पास कर लेंगे, इस लूप में से अब शटल पास करके ये देखिए 24 डबल स्टिचेस हमने यहाँ लिए। तो अब सेकंड चेन में 4 डबल स्टिचेस लेके हमने पहले रिंग से ज्वाइन कर दिया और बाकी अभी हमने 20 डबल स्टिचेस लेने हैं। मेजरमेंट चेन का वही रहेगा जिसमें से 4 लेने के बाद हमने ज्वाइन कर दिया। अब 20 डबल स्टिचेस और लेके ये चेन कंप्लीट कर दें। अब देखिए ये 4 डबल स्टिचेस लेने के बाद ज्वाइन कर दिया पहले रिंग से, उसके बाद 20 डबल स्टिचेस लेके ये चेन कंप्लीट कर दी है। अब चेन के बाद रिवर्स वर्क नहीं करना, थ्रेड को ऐसे ही हम नीचे की साइड ले आएंगे और शटल वाला थ्रेड ऊपर की ओर कर देंगे और यहाँ पे फिर हम रिंग बनाएंगे। पहले तो रिंग बनाकर मैं आप देखें, ये रिंग बना लिया चेन के बाद। अब रिंग के बाद हमें रिवर्स वर्क करना है इस तरह से और यहाँ पे चेन बनाएंगे हम। पहले 4 डबल स्टिचेस लेके हमें प्रीवियस रिंग से हमें ज्वाइन करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें 4 डबल स्टिचेस लेने हैं, पास में हम रखेंगे स्टिचेस को। टू थ्री एंड फोर, 4 डबल स्टिचेस लेने के बाद पिछले वाले रिंग से इसे ज्वाइन कर देना है।
और इसमें से शटल पास कर लेंगे और बाकी के 20 डबल स्टिचेस लेकर ये चेन भी कंप्लीट किए। ये चेन भी कंप्लीट हो गई इस तरह से। अब फिर ये शटल वाला थ्रेड हम ऊपर रखेंगे, कोई रिवर्स वर्क तो हमने करना नहीं है और रिंग बनाना है। इस तरह रिंग बनाने के बाद चेन, चेन के बाद रिंग। बस एक बात आप याद रखें कि चेन के बाद हमने रिवर्स वर्क नहीं करना, रिंग के बाद हमने रिवर्स वर्क करना है, दैट्स इट। तो ये पूरी लेंथ में आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए ये सारी लेंथ मैंने इसकी बना ली है और टोटल मैंने 12 बीड्स इसमें यूज़ कर लिए हैं और 12 ही रिंग बनेंगे। और लास्ट रिंग बनाने के बाद फिर मैंने एक चेन बना ली है, क्योंकि चेन बनाने के बाद ही ये कंप्लीट होगा। और उसके बाद ये मैं थ्रेड कट कर देती हूँ। देखिए ये जो शटल वाला थ्रेड है इसे मैं यहाँ लूप में से गुजार लूँगी इस तरह से, और फिर यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। दो तीन नॉट्स लगा के आप यहाँ पर ग्लू लगा के इसको सिक्योर कर दें, कोई भी अच्छा सा ग्लू आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक फेवी क्विक आती है उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से सिक्योर हो गया। अब आप दोनों साइड्स पे जंप रिंग लगा के इसे आप रेडी कर लीजिए। देखिए और इस तरह से ये हमारा ब्रेसलेट ये भी रेडी हो जाता है। इस तरह से आप इसको वियर कर लीजिए। देखिए बहुत ब्यूटीफुली ये बनके तैयार होता है। बस इसको आप स्टार्च कर लीजिए और फिर ये आपकी ब्यूटीफुल ज्वेलरी बन जाएगी। और देखिए ये पूरा स्टार्च किया हुआ है, इस तरह से ये ब्यूटीफुली पहनने के लायक हो जाता है। तो आप भी बनाएं अपने मनपसंद कलर्स और बीड्स के साथ। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।